नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मतलब 6 अप्रैल तो छुट्टी रहेगा, तो 7 अप्रैल जो मंगलवार के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, और मैं जो बाई जो कुछ भी वीडियो बनाता हूँ और ये जो निफ्टी बैंक निफ्टी बाई सेल लेवल्स और मेरा यूट्यूब चैनल पे जो भी जितना सारा वीडियोस है ये प्योरली एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस है। ये मैं NSM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ लेकिन सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो इसीलिए आप लोग इसमें कुछ ट्रेड करने के लिए और कुछ डिसीजन लेने के लिए आप लोग फिनेंशियल कंसल्टेंट का परामर्श मतलब सलाह जरूर ले लीजिएगा। एनीवे तो ये मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन दूंगा, तो ये वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब ये यूट्यूब वीडियो को मैं सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और जो बाई सेल लेवल का स्किनर का फाइल बनाता हूँ और उसका थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी इक्विटी कमोडिटी और फ्यूचर्स का बहुत सारा लेवल्स दिखाता हूँ, बाई सेल लेवल 1 2 3 और गान लेवल मुरेस लेवल्स और बहुत सारा लेवल्स दिखाता हूँ, तो वो भी उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा जो बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है जो आप लोग एडप्ट करके स्टॉक मार्केट में बहुत ही आसानी से प्रॉफिट कमा सकता है। आप लोग उसका परफॉर्मेंस देख सकता है कितना परसेंट एक्यूरेसी है, और इसका ये जो बाइसेल लेवल कम स्किनर है इसमें क्या क्या है और कैसे इसको स्किनिंग करना है ये भी आप लोग उधर से मतलब वीडियो से यूट्यूब चैनल से देख ले सकता है। ये यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, बहुत सारा इम्पोर्टेंट लिंक दिया हुआ है, तो इसका उधर से आप लोग ये वीडियो देख इसका वीडियो देख लीजिए। तो ये फाइल आप रखे आप लोग इतना सारा चीज़ है कि ये फाइल आप रखे आप लोग बहुत ही आसानी से प्रॉफिट कमा सकता है। इसमें बाइसेल लेवल 1 2 3 गान लेवल्स मुरेस लेवल्स फिबोनाची लेवल्स इलेवा ट्वेल्व और बहुत सारा और भी बहुत सारा लेवल्स है जो आप लोग को बहुत ही काम पे आएगा। आप लोग कोई भी एक बाइसेल लेवल आप ना सकता है एडप्ट कर सकता है, नहीं तो इतना बहुत सारा लेवल्स कंपेयर करके एक आप लोग ट्रेड डिसीजन ले सकता है और मेरा गाइडेंस भी ले सकता है, क्योंकि ये जो फाइल आप लोग को मैंने शेयर करूँगा तो इसके कुछ मेरा कुछ चार्जेस है वो मैंने प्रोवाइड करूँगा। तो इसीलिए आप लोग को जब आप लोग इसमें टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकता है, नहीं तो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप का नंबर थ्रू है। मेरा नाम व्हाट्सएप का नंबर है 9830844160। यूट्यूब मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट का एड्रेस है, उसमें उधर जाके मेरा सभी कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप फेसबुक टेलीग्राम चैनल यूट्यूब चैनल सब आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो वो भी आप लोग देख सकता है। और इधर जो आप लोग एलिस ब्लू आस्था ट्रेड और एलिस ब्लू आस्था ट्रेड ऑप्शंस में ज्वाइन होना चाहता है तो इधर जो लिंक है यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उधर से आप लोग ज्वाइन हो सकता है। तो देखिए मैंने निफ्टी 50 का डेली चार्ट ओपन किया हूँ, तो इसमें पहले देखिए डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले एक बार देख लेते हैं। तो देखिए इधर फर्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा 8411 पे, उसके बाद 8544, उसके बाद 8731, उसके बाद 8866, उसके बाद 9051 तक दिखाई दे रहा है ऊपर, और नीचे जो है इसका 8090 तो ऑलरेडी नीचे क्लोज हुआ है, नीचे का ही क्लोज हुआ है। इसका जो है 7995 इधर आप लोग देख सकता है 7995 7995 या 90 उस उधर एक सपोर्ट है। उसके बाद मैंने जो कि जिधर कर्सर रखता हूँ उधर देख सकता है 7960 7960 से 7950 में एक रेंज होगा, उसके बाद 7926 में एक सपोर्ट बनेगा, उसके बाद 7883 से 7892 से 7980 तक एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बनेगा, उसके बाद 7824 का आसपास एक सपोर्ट आएगा, उसके बाद ये इसका जो सपोर्ट है 7522 जो और है 7511 आप लोग पकड़ सकते हैं जो पहले वाला लास्ट रेजिस्टेंस बना सॉरी जो लास्ट लो बना था। तो इसका नीचे जब जाएगा तो इसका
हालत बहुत ही ख़राब होगा, आप लोग भी सोच समझ सकता है। तो ये 7028 का 7028 तक आ सकता है, उसके नीचे ये 7028 आ सकता है, उसके बाद 6544 तक आ सकता है, उसके बाद ये आ सकता है। मेरा ये जो लाइन है ना, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप लोग ऊपर से देख सकते हैं। ऊपर भी जब इसका देखिए, इसका अंदर से ये जब नीचे आया था, इस हद से टकरा के ठीक इधर टकरा के ये ऊपर फिर से रिट्रेस हो रहा है, फिर से ये नीचे आ रहा है। तो इधर ये जो लाइन जब तोड़ेगा नीचे का लाइन, ये इस लाइन को तोड़ने के बाद ये नीचे का नीचे वाला लाइन टच करने का चांसेस हाईली प्रॉबल है, ये नीचे वाला जो ये लाइन है उसको टच करेगा। तो इधर तक मैंने आप कितना दूर तक देखो, इधर बहुत ही नीचे तो आ सकता है। तो इधर 4-5 मैंने देखा, मैंने पहले भी मेरा 27 मार्च वाला जो वीडियोस है निफ्टी बैंक निफ्टी, आप लोग देख सकते हैं, ये 5600 या 4600 तक इसका आने का नीचे आने का पोटेंशियल है। और आप लोग को मैंने और भी बहुत तरीका से मैंने दिखा दूंगा ये कैसे कौन सा ट्रेंड में है और कितना दूर आने का प्रोबेबिलिटी है। और इस सर आप लोग और ये देखिए, इधर फिलहाल जो डेली चार्ट में जो ट्रेंड दिख रहा है, तो इधर देखिए पहले इसका तो ट्रेंड आप में गया था, इधर से देखिए ये जो एंगल्स है ये अपटर्न दिखा रहा। अच्छा, इधर फिबोनाची का लेवल भी एक देख लेते हैं। इधर देखिए 8563 में इसका सपोर्ट बनेगा, 8560 से 9360 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद 9970 और भी ऊपर जा सकता है, 10550 तक ऊपर। और नीचे जो आएगा 7510 का नीचे इसका जो लेवल दिखेगा, तो वो है जो क्या लेवल दिखता है, 6122 लेवल दिखता है, 6122 का लेवल आने का प्रोबेबिलिटी हाईली बनता है। उसके बाद 5474 तक इसका आने का प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद 4469 और 4469 तोड़ेगा तो बहुत ही मतलब ये 2008 में जो लो बना था उसका तक उसका लो तक आ सकने का प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। तो लगता नहीं है इतना दूर आएगा, इतना से इधर से ये रिट्रेस होगा मेरा जो है, इधर इधर से नहीं तो इधर से ये रिट्रेस होने का हाईली प्रोबेबल है। तो एनी वे और क्यों प्रॉबल है, क्या प्रॉबल है क्या, वो मैंने दिखाया था ये जो मतलब 12430 तक इसका हाई गया था, उसके बाद 7511 तो लो गया था, इसका जो 4919 का जो डिफरेंस है, तो इसका रिट्रेस हुआ है अभी तक जितना था जितना सा ये करेक्शन वेव है। एक्चुअली ये जो आप 2008 से जो ये जो इसका जो अपट्रेंड चालू हुआ था, इस इधर पाँच वेव बना था, उसके बाद पांच वेव के बाद ये करेक्शन वेव बना है, करेक्शन वेव का वेव ये बना है, इसके बाद ये वेव बी चल रहा है, तो वेव बी से शायद वेव बी ख़त्म हो चुका है, तो उसके बाद ये वेव सी चालू होगा। तो वेव सी में जो जितना तक ऊपर गया था 9308 और उधर से ये जो वेव ए में जितना सा करेक्शन हुआ है, जितना सा करेक्शन हुआ 4919 वो 9058 से पूरा वो 4919 तक एटलीस्ट नीचे आने का प्रॉबिलिटी बनता है। दोस्तों एक मिनट, मेरा एक फ़ोन कॉल है, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ राहुल बोलो। আর আপনি রোজই ওই ভিডিও বানানোর সময় করছেন, আমি দু মিনিট আমি কিছুক্ষণ পরে করি, আপনি আবার ব্যস্ত হয়ে যান, আপনার সঙ্গে কথা বলার তো ইচ্ছে আছে কিন্তু। হ্যাঁ 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 একটু বলি ভালো আছে, ঠিক আছে আমি 10 মিনিট বাদে করছি। তো ইসকে বাদ যো 4919 ইতনা इतना, क्योंकि इसका रूल्स ही ऐसा है, इलेक्ट्रोवेव का जो या गान लेवल का बोली या रिप्लेसमेंट का बोली, और ये साइकिल में चलता है, कोई भी कुछ भी यूज़ कर सकता है, प्राइस एक्शन इंडिकेटर कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन ये वेब इसका अंदर चलेगा, वेब में ही चलेगा, तो ये कन्फर्म है, ये आप लोग कोई भी डिनाई कर सकता है, किसी का मतलब अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन ऐसा ही वेब में चलता है मार्केट। तो देखिए इधर गान का जो इधर जो लेवल था, आप लोग इधर देख सकते हैं,
इस एंगल पकड़ के ये नीचे आया है, इस एंगल पकड़ के नीचे आया है, इस एंगल जब तोड़ा है इस एंगल पे ये टकराया, इस एंगल इससे रेजिस्टेंस मिला है, फिर से ये नीचे आ रहा है, फिर से ये इतना दूर तक आने का मतलब ये इस एंगल का आने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा है, मतलब फिलहाल 7710 के आसपास आने का प्रॉबिलिटी बहुत ही हाई है, तो उस इस इधर का हिसाब से चलेगा। तो और बैंक निफ्टी का देखता हूँ मैंने, इसके बाद ये जो मैंने तो चार्ट में दिखा उसके बाद मैंने फाइल्स में भी एक्सप्लेन करूँगा कि इतना नीचे मतलब नीचे कौन सा ट्रेंड में है और कौन सा मतलब कितना दूर तक आ सकता है। तो इधर देखिए बैंक निफ्टी का डेली चार्ट में क्या हुआ है, इधर तो पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं, इधर 18128 में इसका रेजिस्टेंस है, 18460, 18802, 19134, 19476, 19808, 20149, ये आप लोग इसका मतलब रेजिस्टेंस है, और जो सपोर्ट है इसका, सपोर्ट जो है इसका इसका जो सपोर्ट है तो इधर पहले वाला सपोर्ट तो इधर 16762 में होगा, उसके बाद देखते हैं 16762, उसके बाद 16116, मतलब जितना लो हुआ था उसके बाद वो नीचे जाएगा तो इसका बहुत ही नीचे आने का प्रोबेबिलिटी रहेगा। तो इधर पहले ये 11169 और इधर जो ग्रीन वाला लाइन देख रहा है 10758, इतना तक इसका मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी बनता है। तो जो फिबोनाची का जो है 9348 और इधर से रिट्रेस होने का प्रोबेबिलिटी 6000, इधर से रिट्रेस होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। एक्चुअली निफ्टी कैसे मूवमेंट होगा इसके ऊपर डिपेंड करता है। इधर भी देखते हैं कि इधर देखिए ट्रेंड में सभी मैंने मेरा जो स्ट्रेटेजी है इसमें, तो इसमें देखता है कि इधर पहले तो ट्रेंड अप गया था लेकिन इधर से अभी फिर से इधर सभी में इसका डाउन ट्रेंड ले रहा है, और ऊपर वाला इंडिकेटर्स वगैरह जो है सुपर ट्रेंड वगैरह RSI वगैरह जो है वो भी तो बहुत ही ऊपर है, उसके बाद तो मैं छोड़ ही देता हूँ। ये शॉर्ट टर्म का जो इंडिकेटर्स रहता है ये भी सभी मेरा ये सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स है। तो एनी तो इसका जब इसका तो नीचे दिख रहा है, निफ्टी का भी ऐसा ही है और नीचे ही दिखा रहा है, निफ्टी का भी एक बार देखा देता हूँ। इसका जो लेवल है मैंने इसका लेवल बना लिया हूँ, वो भी आप लोग को दिखाऊंगा, वो आप लोग इधर से एक दिन का हिसाब से ये जो लेवल दिखाता हूँ आप लोग को, इधर से जो एक एक लेवल है इधर ये आप लोग को मेरा चार्ट पे भी दिखेगा, मतलब एक्सेल शीट में भी दिखेगा। एनीवे तो निफ्टी का कहाँ गया, देखिए इधर चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ,
देखिए पहले इसका तो ऊपर गया था, इधर से ये ऊपर गया था, इसका ऊपर जाने का चालू हुआ था लेकिन फिर से इधर ऊपर जाके अटक गया, और 9038 ऊपर आके ये इसका रेजिस्टेंस बन गया। उधर से फिर से ये इधर से ये कुछ इंडिकेटर्स का नीचे, बाद में बाकी इंडिकेटर्स का तो ऊपर ही है। इधर से ये भी ये जो मेन इंडिकेटर है ये देखिए, इधर से ये नीचे आया था, नीचे आने के बाद ये ऊपर जाने का चालू हुआ था, ऊपर गया भी था, उसके बाद ये तो अभी तक ग्रीन है लेकिन इसका नीचे आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। ये ऊपर जा फिर से इसका ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा ही ये जो ये सब इंडिकेटर्स ये नीचे ही अभी तक दिखा रहा है डेली का डेली चार्ट में। तो थोड़ा सा पुल बैक हो सकता है भी 8281, 8282, 8283 तक, लेकिन फिर से ये नीचे आने का बहुत है। तो अभी जो दिखाना चाहता हूँ तो इसमें आप लोग को अब पहले ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं, मेरा वीडियो लंबा हो जाए दोस्तों, मैं थोड़ा सा जल्दी करने का कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं जो समझ आप लोग को दिखाना चाहता हूँ वो है कि लेवल्स और ट्रेंड यही मेन चीज़ है, तो उसका हिसाब से चलना पड़ेगा, तो उसी को पकड़ने का कोशिश करता हूँ। चार्ट निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस और सॉरी ऑप्शन चेन एनालिसिस और कैलकुलेशन करके, बहुत सारा लेवल्स कैलकुलेशन, बहुत सारा मेथड्स जो है। तो अच्छा ये इसका देखिए पीसीआर रेशियो है 82 के आसपास, मतलब ये नीचे का जोन में है पीसीआर रेशियो, और 8500 में इसका रेजिस्टेंस बना, सॉरी हाँ रेजिस्टेंस बना है। कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट एक कॉल में शॉर्टिंग हो रहा है कॉल साइड में, और इधर पुट साइड में इसका सपोर्ट इमीडिएट सपोर्ट बना है 8000 में, और इसके बाद 7800 में और 7500 में इसका सपोर्ट बना है। पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इधर दिख रहा है, और पुट साइड में लॉन्ग हो रहा है, और कॉल साइड शॉर्ट कर रहा है, कॉल साइड में शॉर्ट राइटिंग हो रहा है। तो इसमें क्या ये इंडिकेट कर रहा है आप लोग का भी क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये नीचे जाने का इंडिकेट कर रहा है। और इधर बैंक निफ्टी का जो दिखता है, बैंक निफ्टी में का जो पीसीआर रेशियो है 0.55 है, ऑलमोस्ट ये 0.50 का नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी बनता है। इसका पीसीआर रेशियो इसका 18000 में, इसका 18000 में इसका सबसे ज़्यादा कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इधर रेजिस्टेंस बना है, इधर शॉर्ट हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और इधर वुड से 17000 में इसका बना है, इधर भी रेजिस्टेंस बना है, उधर उधर सपोर्ट बना है, इधर लॉन्ग हो रहा है, उधर भी लॉन्ग हो रहा है, तो इंडिकेट कर रहा है नीचे जाएगा। और इधर और आई भी थोड़ा सा कम हो गया है, और इंडिया विक्स भी कम हुआ है, तो आई भी कम हुआ है, तो इधर ये अच्छा ये है। तो कॉल साइड में इसका पुट साइड का मतलब आई भी ज़्यादा है और कॉल साइड का कम है, तो वो भी नीचे जाने का, और कॉल साइड में पुट साइड में लॉन्ग हो रहा है, आई भी ज़्यादा है, तो नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी दर्शाता है। और इधर मैंने और भी प्रोबेबिलिटी का एक बार देखता हूँ, प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन, इसका डाउन ट्रेंड में ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। देखिए सपोर्ट का आसपास 8000 में सपोर्ट पकड़ा हूँ, तो नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। इधर 17000 में इधर मैंने कॉल इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, पुट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, करेंट मार्केट प्राइस देखे मैंने, और कितना दिन एक्सपायरी का बाकी है ये देख के कैलकुलेशन करता हूँ। ये कैलकुलेशन किया जा सकता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का हिसाब से, तो मैंने ये भी कैलकुलेशन है इसमें। तो ये देखिए इसमें देखिए इसका जो बनता है, इसका इसका जो इसका डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है, तो मैंने इसको 7500 करूँगा, तो इस 7500 में भी इसका सपोर्ट है, सो 7500 कर दूंगा तो इसका थोड़ा सा इसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, लेकिन जब 7800 करूँगा तो इसका फिर भी ये मतलब 8000 था, 7800 करूँगा तो फिर भी ये डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, मतलब डाउन साइड में ज़्यादा दिखा रहा है। इधर भी ऐसा 16500 करूँगा तो 16500 करूँगा तो फिर भी देखिए इसका डाउन ट्रेंड में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन 16000 कर दूंगा तो इसका डाउन ट्रेंड में जाने का प्रोबेबिलिटी कम जाता है।
तो इसमें इतना इसी पता चलता है कि इसका डाउन ट्रेंड में जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अधिक, निफ्टी बैंक निफ्टी का डाउन ट्रेंड में जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और आप लोग को इधर 360 डिग्री एनालिसिस को दिखाऊंगा, तो आप लोग पिछले वाला मेरा वीडियो देख सकता है जब मैंने इधर बोला था 8731 तक, मतलब ये है अप जाने का और ये डाउन जाने का, ये निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों साइड में। तो इधर देखिए, इधर 8731 में जब मैंने बोला था, तो उस टाइम बोला था मैंने कि ऊपर जाएगा ये, क्योंकि ये ऊपर का लेवल्स में मैच कर रहा है, नीचे का लेवल्स मैच नहीं कर रहा है। तो इधर ये 9013 साइकिल कंप्लीट किया, 9038 तक कंप्लीट किया था। उसके बाद देखिए ये फिर से इधर से रिट्रेस हो गया, रिट्रेस होकर ये 8268, अभी 8074 और 8011 का बीच में है। आज तो इसका 8055 लो बन गया है, तो ये इसका नीचे आएगा। तो हाईली प्रोबेबल है कि इधर 7886 तक पहले आएगा, उसके बाद ये 7511 तक आ सकता है। उसका नीचे जाएगा तो इसका बहुत ही नीचे जाने का प्रॉबिटी ज़्यादा है। और भी लेवल्स आप लोग को दिखाता हूँ इसका, ये आप लोग नोट कर सकता है। और हाँ, जो नोट करने के आप लोग जो लेवल्स नोट करेंगे, तो इसका किसी की कोई भी लेवल आप लोग को मैच नहीं किया तो मेरे को ज़रूर बता सकता है आप लोग। मैंने आज का परफॉर्मेंस नहीं दिखाया तो वह आप लोग को कुछ चेक कर सकता है। तो इधर देखिए ये है, ये 22711 तो मैंने बाद में दिखाऊंगा, मैंने पहले दूसरा वाला लेवल सब लोग को दिखाता हूँ, ये सब लेवल बाद में दिखाऊंगा, पहले मैंने थी वो मैंने रात में दिखाऊंगा, वो भी आप लोग देख लेंगे। पहले देखिए इधर 360 डिग्री का जो एनालिसिस है, तो इसका क्या है, इधर इधर ये इसका बाई का लेवल है, ठीक है। देखिए बाई का लेवल में ये फर्स्ट साइकिल में ये इसका बाई का लेवल है, ये सेल का लेवल है। तो देखिए सेल का लेवल में ये आ जाता है, तो ठीक है। तो ये इसका हाई प्रायोरिटी बनता है कि ये 360 डिग्री कंप्लीट करेगा, 360 डिग्री कंप्लीट करेगा, मतलब 7520 तक फर्स्ट साइकिल में आने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा बनता है। ये सब आप लोग हाई और लो दोनों साइड में ही आप लोग मतलब नोट कीजिए, तो जिधर लेवल आएगा आप लोग उधर का हिसाब से काम कर सकता है। 6684 इसका सेकंड साइकिल में आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखता है, मतलब आप लोग शुरू करेंगे जरूर फर्स्ट लेवल से, ऐसा नहीं है मैंने जस्ट नीचे का कितना दूर आ सकता है। देखिए 5681 तक इसका मैंने जो बोल रहा था, 5600 या 4600 का इसका आने का प्रोबेबिलिटी बनता है, तो इसे वही को दिखाना चाहता हूँ। और किस कौन सा लेवल पे है वो दिखाने के बाद आप लोग को ट्रेंड भी इधर से पता चल जाता है। और जो कुछ है तो मैंने और भी एक दिखाना चाहता हूँ, तो उसको मैंने रिसेंटली डेवलप किया हूँ, तो इसका लेवल भी आप लोग नोट करेंगे तो आप लोग को ये बढ़िया तरीका से काम करता है। मैंने बाद में वो सब लेवल्स आप लोग को दिखाऊंगा, तो इधर से आप लोग सभी लेवल आप लोग नोट कर सकता है, सब कंपेयर करके आप लोग डिसीजन ले सकता है। नहीं तो ये है फिबोनाची, इसका बाई साइड सेल साइड नोट कर सकता है। ये है गाना एंगल्स का, ये R1 R2 से बाई बाई का लेवल है, S1 S2 सेल का लेवल्स है, और इसका डिग्री का एंगल है वोलेटिलिटी वेस्ट का, डिग्री का एंगल डिग्री वेस्ट है, इसका लेवल्स आप लोग नोट कर सकता है। और ये है फिबोनाची का वेस्ट 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का है लेवल्स, और जो मैंने रिसेंटली डेवलप किया हूँ वो भी बढ़िया तरीक़े से काम करेगा, वो भी आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। ये है इधर से आप लोग नोट कर सकता है, इधर से जो है बाय अप साइड और डाउन साइड का लेवल्स आप लोग नोट कर सकता है, आप लोग को क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है। और एक जहाँ चीज़ मैंने दिखाना चाहता हूँ इसमें, मैंने ये तो हो गया, इसमें है इसका इसका जो हाँ इसका लेवल सब लोग को दिखा देता हूँ। ये जो है ये है गन एंगल्स का लेवल्स, एक्चुअली इसका बाइसेल लेवल्स सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर इंडेक्स का आप लोग देख सकते हैं, इधर से नोट कर सकता है। ये जो निफ्टी बैंक निफ्टी का है, आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का सेक्शन ही देखेंगे, उसके बाहर में आप लोग मत देखिएगा तो आप लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट, और ये है कैमरेली का है, इसका भी आप लोग देख सकता है, ठीक है। और इसका इसका कैमरेली का
मतलब कौन सा लेवल पे जॉब कौन सा है, उसका कैसे ट्रीट करना है, उसका रूल्स भी इधर दिया हुआ है और टारगेट भी दिया हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ मैंने डेवलप किया हूँ जो है इंडिया विक्स से मतलब लिंक करके इसका फिबोनाची लेवल्स क्या हो सकता है, ये इसका बॉटम कहाँ पर आ सकता है, टॉप कहाँ से आ सकता है, ठीक है। इंडिया विक्स का ये करंट लेवल्स है, ठीक है। तो इधर से ये निफ्टी बैंक निफ्टी का मतलब मूवमेंट इधर से इधर, तो ये बॉटम से ये इतना ये है नीचे का लेवल्स, ये नीचे का लेवल्स ये आ सकता है, ये इतना दूर तक ये नीचे का लेवल्स फिलहाल ये नीचे का लेवल्स आने का प्रोबेबिलिटी है, और इसका डाउन जाने का लेवल्स भी इधर से दिखता है, ये इधर से ये अपसाइड में जाएगा, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। अभी इधर से ख़त्म कर रहा हूँ, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, तो रात में फिर से बनाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।